नमस्कार। चलिए तो आज हम हिंदी का एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। सबसे पहले तो हमें ये शीर्षक समझना चाहिए, ये जो समूह गान है इसका साहित्य स्वरूप है समूह गान, और उसके कवि जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ये कवि है। तो सबसे पहले तो हमें इसका शीर्षक समझना चाहिए, उसमें कहा है कि उठो धरा के अमर सपूतों। तो धरा ये शब्द समझ लीजिए, धरा तो धरा के समानार्थी शब्द जो है हम सीख चुके हैं भूमि, धरती, अवनि, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, इला, भू। तो ये सारे समानार्थी शब्द है, धरा के लिए समानार्थी शब्द है। अब हम जो सीख रहे हैं समानार्थी शब्द, क्लियर? तो ऐसे याद रखना चाहिए हमें कि ये जो समानार्थी शब्द है उसमें धरा शब्द जो दिया गया है धरा के समानार्थी है, धरा का परिवार है, उनकी बहनें हैं ऐसा मान लेगी, धरा की बहनें हैं ये सारी। तो यहाँ कहा है शीर्षक पे कि उठो धरा के अमर सपूतों। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था ना, उठो जागो ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। तो वैसे ही यहाँ शीर्षक तो ऐसा ही है कि उठो धरा के अमर सपूतों। तो ये धरा है, ये धरती है, ये पृथ्वी है जिसे माता कहते हैं, धरती माता, उसके अमर सपूतों की बात है। अब अमर जो है, अमर का अर्थ क्या लगाते हैं आप, कि जो मरता नहीं है वह, उसे बोलते हैं ना हम अमर। तो उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है मर्त्य। तो जो मरता है वह, उसे बोलते हैं मर्त्य। तो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द हो गया, जो कभी मरता नहीं है वह, शब्द समूह के लिए एक शब्द है अमर, उसका विरुद्धार्थी है मर्त्य, तो उसके लिए शब्द समूह है जो मरता है वह। तो ये पृथ्वी तो आप जानते हैं कि मर्त्य लोक है, यहाँ जो जन्म लेते हैं वे सब मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु अवश्य होती है, चाहे भगवान राम हो या श्री कृष्ण हो, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये मर्त्य लोक है। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई उठो धरा के अमर सपूतों। ये सपूत शब्द भी समझ लीजिए, सपूत उसका विरुद्धार्थ शब्द है कपूत। तो सपूत यानी सुपुत्र, ऐसा अर्थ हम करते हैं, लेकिन यहां तो देशभक्तों की बात, देश के लिए शहीद होने वालों की बात, देश प्रेमियों की बात। तो ऐसे सपूतों की बात है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, करते हैं, उनकी बात, ऐसे सपूतों की बात। तो शीर्षक समझ में आ गया कि उठो धरा के अमर सपूतों, उठो, ऐसा कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं। ये मूलतः यूपी के हैं और उन्होंने 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य दिए हैं, 26 बाल साहित्य दिए हैं, 3 कहानी संग्रह है उनके, और अन्य साहित्य भी उनका प्रकाशित हुआ है, खास करके इतना ऊंचा उठो, फिर उठो धरा के अमर सपूतों, और कौन खिलाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपवन के, ये उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो उनकी ये जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उनमें से ये एक प्रसिद्ध कृति है उठो धरा के अमर सपूत। तो ये तो समूह गान है, समूह में गाया जा सकता है, जैसे उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो ये राग ऐसे गाया जा सकता है इसे।
तो हम बाद में गा लेंगे इसे। तो सबसे पहले ये काव्य के बारे में देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नया निर्माण यानी नव निर्माण, पुनः नव निर्माण करने की बात करते हैं। अब पुनः नव निर्माण क्यों करना है? पुनः का अर्थ तो यही होता है फिर से, एक बार फिर नव निर्माण करना है। निर्माण करना यानी रचना, बनाना कुछ। तो पुनः क्यों करना है सोचिए। हमारे देश में प्राचीन काल से विदेशी आतताई आते रहे, विदेशी प्रजा आती रही, हम पर शासन चलाती रही है। तो ये विदेशी प्रजा, चाहे मुगल हो या अंग्रेज हो, उन्होंने ये सोने की चिड़ियों का देश जो कहा जाता था, हमारा सुवर्ण काल था, खास करके विक्रमादित्य के समय में, तो ये सोने की चिड़ियों का देश उसे लूटा है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। खास करके हमारी इंटरनेशनल कक्षा की जो यूनिवर्सिटियां है, विश्वविद्यालय, नालंदा है, तक्षशिला है, वल्लभी है, उनका विनाश कर दिया। तो आज हम आज़ाद स्वतंत्र हो चुके हैं, तो अब हमारे पास मौका है फिर से नव निर्माण करना, फिर से हमारे देश को सोने की चिड़ियों का देश बनाना, फिर से ज्ञानी देश बनाना है, विद्वान देश बनाना है, तो विश्वगुरु बनाना है हमारे देश को। तो उस इसके लिए ये युवान और खास करके सपूतों को कभी आह्वान करते, उठो पुनः नव निर्माण करो, ये आह्वान करते हैं ये समूह गान में। तो आगे अब देखते हैं कवि क्या क्या कहना चाहते हैं इस काव्य के, ये समूह गान के माध्यम से। तो सबसे पहली बात तो हमने समझ ली कि हमारे देश को पुनः नव निर्माण की जरूरत है। लुटा गया है देश को, ध्वस्त कर दिया है, विनाश कर दिया है, तक्षशिला जैसी विद्यालय, विश्वविद्यालय को जलाया गया है, कई हस्तप्रतों का नाश कर दिया है। तो प्राचीन काल में तो भारत विश्व गुरु था, समृद्ध देश था, तो ऐसा हमें फिर से देश बनाना है। इसके लिए कवि कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। तो देखते हैं कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति और नव प्राण भरो। जन जन के यानी प्रत्येक जन के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या भरने की बात करते हैं कि नव स्फूर्ति भर दो और नव प्राण भर दो। प्राण तो है सभी में, प्राण यानी उत्साह, हमें ये अर्थ लेना है। जीवित तो है, प्राण तो है, लेकिन मृत जैसे है, उसका शोषण हुआ है, गुलामी में 200 साल तक ये देश रहा है अंग्रेजों के समय में, तो ये गुलामी की अवस्था में उसमें स्फूर्ति नहीं है, आलसी हो गए, बीमार हो गए, रोगिष्ट हो गए, उसमें उत्साह का भी अभाव है। तो ये भरना है नव स्फूर्ति, उसमें भरनी है नव प्राण यानी नया उत्साह भरना है, क्योंकि नव निर्माण हमें करना है। तो नव निर्माण करने के लिए हमें स्फूर्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये भरने की बात करते हैं कवि के, हे सपूतों, तुम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नव स्फूर्ति और नव प्राण भर दो, तो नव निर्माण कर पाएंगे। सभी को मिलकर करना है, ये थोड़े व्यक्ति नहीं कर सकते, थोड़े युवान आगे आए और पूरा देश बदल दे, ये बात नहीं है। अब तो सभी को स्फूर्ति नव प्राण भर के आगे बढ़ना है, देश को समृद्ध बनाना है, विद्वान बनाना है, विश्वगुरु बनाना है। तो इसके लिए कभी सपूतों को कहते हैं कि उसमें नव स्फूर्ति नव प्राण भर दो। अब तो नई प्रातः है, अब तो नई सुबह है, आजादी की नई सुबह, सुनहरी सुबह निकली, हम आजाद है, हम स्वतंत्र है, हम अब किसी के गुलाम नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे देश का विकास कर सकते हैं, हमारे देश के लोगों को समृद्ध बना सकते हैं। तो अब नई सुबह है, नई प्रातः हो यानी सुबह है, हमारे पास सोने का सूरज निकला है, तो नई प्रातः है और नई बात है, अब पुरानी बात नहीं है।
कल की बात पुरानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो ये नई बात है हमारे पास कि हम नव निर्माण कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में नई किरण है और ज्योति भी नई, नई किरणें आ रही, यानी नए नए ज्ञान का प्रकाश फैल रहा। अभी तक तो ये ज्ञान का दिया या प्रकाश हम तक पहुंचता नहीं था, हमें ऐसे मौके प्राप्त नहीं होते थे, लेकिन अब तो नई किरण और उसकी नई नई ज्योति हमारे आंगन तक आई है, ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। तो उस ज्ञान के प्रकाश में हम अपने देश का विकास कर सके। तो नई किरण है, ज्योति नई है और नव स्फूर्ति आ गई, नव नई उमंगे है और नई तरंगे है, नव उमंग है, उत्साह है, नया उत्साह भरा है, नई नई तरंगे है हमारे देश में, हमारे शरीर में, हमारे मन में। ये नई उमंगे, नई तरंगे और नई आस है और नई सांस भी नहीं है, आस भी नहीं और सांस भी नहीं, यानी नई नई आशाएं जगी है, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं हमारे देशवासियों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उन्हें साक्षर बनाने के लिए। नई नई आशा है, नई नई सांस, नया नई सांस, सांस तो चलती रहती है लेकिन ये उत्साह की नई सांस भर गई है। तो नए प्राण फूंक दिए गए हैं, स्वतंत्रता के प्राण फूंक दिए गए हैं हमारे देश में, तो नई सांस भी है। युग युग के मुर्जे सुमनों में तुम नई नई मुस्कान भर दो। बहुत ही अच्छी बात कही है कवि ने कि युग युग से ये जो सुमन है वह मुरझा चुके थे। ये सुमन याने फूल है, सुमन याने पुष्प है, सुमन याने प्रसून है, सुमन याने गुल, सुमन याने कुसुम। तो ये सारे समानार्थी शब्द है सुमन के, देखिए कितने सारे समानार्थी शब्द हमें मिलते हैं। तो युग युग के मुरझे हुए थे, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे देश में एक के बाद एक प्रजा आती रही, शक है, हूण है, और ये मुगल है, अफगान है, अंग्रेज है, फ्रेंच है, भाई बहुत सारी विदेशी प्रजा यहाँ आती रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारा देश प्राचीन काल से समृद्ध था, ज्ञान से समृद्ध था, भौतिक समृद्धि से समृद्ध था। तो ऐसी कई चीज़ें जो थी, जो भारत में ही मिलती थी, यहाँ ही बनती थी, ये ज्ञान, ये हुनर हमारे पास ही था। तो यहाँ से ये चीज़ वस्तु लेने, इसकी समृद्धि लूटने, उस पर शासन करने, एक के बाद एक विदेशी प्रजा आती रही है। इस कारण हमारे देश के लोग, हमारी प्रजा, भारतीय प्रजा युग युग से मुरझा गई है, क्योंकि गुलामी अवस्था में थी, विदेशी शासक थे हम पर। तो युग युग से मुरझे हुए ये सुमनों में तुम नई नई मुस्कान भर दो। सुमन यानी फूल खिला हुआ है तो मुस्कुराता हुआ नजर आता है, लेकिन अब तो मुरझा गया है, युग युग से मुरझा गया है, फिर से उसे नवपल्वित करना है, उसमें फिर से मुस्कान भर देनी है, फिर से वह खिला हुआ बने, ऐसा कठिन कार्य करना है। तो युग युग से मुरझे हुए ये सुमनों में तुम नई नई मुस्कान भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो ये आह्वान कवि करते हैं। आगे देखते हैं कि डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। आज कैसी स्थिति है कि प्रत्येक डाल पर बैठे हुए विहग नए नए स्वर में कुछ न कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ये विहग, उसका एक समानार्थी शब्द है विहंग, एक पक्षी, पंखी, द्विज,
वैसे तो बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं, लेकिन हम इतना याद रखें तो भी काफ़ी है कि प्रत्येक डाल पर बैठा हुआ ये विहग, ये पक्षी यानि हमारे भारती, हमारे देश का व्यक्ति, हमारा भाई, तो ये प्रत्येक डाल पर बैठे विहग कुछ नए नए स्वरों में आज गाते हैं। आज गाने की छूट है, आज गुलाम नहीं है, कलरव करते हैं, गुनगुनाते हैं अलग अलग जगह पर। दो देश तो बहुत विशाल है, पूर्व से लेकर पश्चिम और पश्चिम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ ये देश, तो हर जगह पर ये आज़ादी की लहर छा गई, हम स्वतंत्र हो गए हैं, सब गुनगुनाते हैं और गुनगुन गुनगुन करते हुए भौंरे भी मस्त उधर मंडराते हैं। ऐसी स्थिति में बागों में, उपवन में नए नए फूल खिले हैं और उन फूलों पर मस्त होकर गुनगुनाते हुए भौंरे भी आ रहे हैं, तो सुखद वातावरण है, मानो बाहर आ गई हो, खुशनुमा ऋतु है, यानी अच्छा सुखद वातावरण। आज देश का वातावरण ऐसा बना हुआ है कि ऐसे वातावरण में हम खिल सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, हमारा विकास हो सकता है, तो ऐसा सुखद वातावरण है। कभी ऐसा कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में बहार आई है, सुखद वातावरण भी है, नवयुग की ये नूतन वीणा में तुम नया राग और नव गान भर दो। नवयुग की यानी नया युग, नवयुग यानी नया युग है, 21वीं सदी चल रही, नया युग आ गया है, आज कोई देश गुलाम नहीं रह गया है, तो ये नवयुग की नूतन वीणा में, नूतन यानी नई, और वीणा, वीणा का अर्थ तो होता है सरस्वती देवी का एक वाद्य, वीणा एक वाद्य का नाम है, सरस्वती देवी का ये वाद्य है, तो ये वाद्य सरस्वती देवी के हाथ में खास करके होता है, इसलिए उसे वीणा वादिनी भी कहते हैं। जैसे प्रार्थना है ना हमारी, वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये प्रार्थना है, बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। वीणा वादिनी यानी सरस्वती देवी को प्रार्थना करवाते हैं। एक स्कूल में ये प्रार्थना हो रही थी, मैंने सुनी थी, मैं उस स्कूल में पढ़ता था, लेकिन सोचता था कि भाई ऐसा क्यों, मुझे इस शब्द का अर्थ पता नहीं था, ये वरदे वीणावादिनी, ये तो पता था कि ये सरस्वती देवी को ही प्रार्थना करते हैं, तो ये वरदे वरदे ऐसा क्यों करते, सभी लड़के थे फिर भी बोलते थे वरदे वीणावादिनी वरदे, तो मैं तो मौन रहता था कि भाई नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है प्रार्थना, हमारी नहीं है, ये लड़कियों की प्रार्थना है, ऐसा लगता था। तो यहाँ तो वीणा वादिनी की बात है, वीणा वादिनी सरस्वती देवी उनका वाद्य, तो नूतन वीणा में तुम नया राग नव गान भर दो। ये नया युग है, पुराने राग नहीं आलापने हैं, अब नूतन वीणा है, वाद्य भी नया है और उसमें राग भी नया भरना है, नया गान भी भर करना है, क्योंकि ये पुराने ख्यालात, प्राचीन परंपरा जो रूढ़िगत है, खास करके अंधश्रद्धाएं, उसे छोड़ देनी, वैज्ञानिक अभिगम उसे अपनाना है, शिक्षित होना है और आगे बढ़ना है, उसके लिए नया नूतन अभिगम अपनाना है, नए तरीके से आगे बढ़ना है, नए साधनों के साथ आगे बढ़ना है, नई विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ना है, ये कवि कहना चाहते हैं। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब आगे कवि कहते हैं, कली कली खिल रही है इधर, प्रत्येक कली, कली कली यानी प्रत्येक कली, कली का अर्थ यही होता है अविकसित फूल या अर्धविकसित फूल, जो पूर्ण तरह से खिल नहीं पाया है, अभी अभी खिल रहा, अभी उसका फूल का बचपन चल रहा है, उसे कली बोलते, बहुवचन में बोलते कलिया। तो ये कली कली खिल रही है इधर, विकसित हो रहे हमारे बच्चे, विकसित हो रहे अभी, तो
हमारा देश भी ऐसा ही है, अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, विकसित हो रहा है। तो ये विकसित हो रहा है हमारा देश, हमारे देश के लोग विकसित हो रहे हैं, उसका बचपन है अभी, और वह फूल फूल मुस्काया है। और जो विकसित हो चुके हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि कोई विकसित हुआ ही नहीं, कई विकसित हो चुके हैं, कोई विकसित हो रहा है, ऐसा वातावरण है। तो ये फूल जो विकसित हो चुका है वह मुस्काया है, यानी जो विकसित हो रहा है उसे देखकर विकसित जो हो चुका है उसे ईर्ष्या नहीं होती, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होता, वह मुस्काता है, उसे भी पसंद है कि ये नई नई कलियां खिल रही है। तो फूल फूल भी मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। ये हमने देखा था ना, धरा के समानार्थी शब्दों में धरती, ये धरती माता है, धरती को माता कहते हैं, माता का स्थान दिया है हम, खास करके हमारे देश भारत में, हमें हम उसे मातृभूमि कहते हैं, धरती माता करके कहकर पुकारते हैं, और भारत जो देश है उसे भी हम माता मानते हैं, भारत माता की जय ऐसे पुकारते हैं, ऐसे बोलते हैं, दूसरे कई देशों में हमने सुना नहीं। पाकिस्तान वाले उर्दू में बोलते हैं, हमारी समझ में आ रहा है कि उर्दू कोई बोलता है तो समझ लेते हैं हम, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि पाकिस्तान मात की जय, अमेरिका मात की जय, बांग्लादेश मात की जय, ऐसा तो नहीं सुना। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वे लोग जो है वे अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, अपनी धरती माता को, अपने मादरे वतन को, वतन की मिट्टी को माता का स्थान प्रदान नहीं करते, वे उसे माता नहीं मानते। हम अपने देश की मिट्टी को, धरती को माता कहते हैं, मस्तक पर चढ़ाते हैं उसकी धूल को, इतना महत्व प्रदान किया है हमने अपनी मातृभूमि को। तो ये धरती माता जो है आज नया रूप धारण कर रही है, देखिए धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया, नई और सुनहरी काया हो रही। हमने वर्षा ऋतु में देखा है कि धरती माता ये हरे रंग की चुनरी धारण कर लेती है, पर्वतों पर, मैदानों में, खेतों में हरा रंग छा जाता है, ये तो देखा है, लेकिन धरती माता की काया सुनहरी हो जाए ये कैसे मुमकिन है? सोचो कि धरती माता कब सुनहरी हो जाती है, हरियाली छा जाती है, हरी हो जाती है, ये तो सुना है, देखा भी है, आपने सुनहरी काया भी देखी होगी। सोचो कि ये जो फसल बोई गई है, हरियाली छा गई है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि ये जो फसल तैयार हो चुकी है, अब तैयार हो चुकी है फसल तो वह पीली हो जाती है, जैसे गेहूं, गेहूं का पूरा खेत पीला हो जाता है, हरा है उसमें से पीला होता है, तो ऊपर से आकाश में से देखेंगे तो कई सारे खेत पीले हो चुके हैं, सुनहरा रंग आ चुका है, यानी हमारी धरती माता, हमारा देश, हमारी मातृभूमि आज समृद्ध हो चुका है, हमारा देश समृद्ध हो चुका है, हमारी धरती माता समृद्ध हुई है, सुनहरी उसकी काया हुई है, काया यानी देह, उसके शरीर, उसका तन ये सुनहरा हो चुका है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी मातृभूमि या धरती समृद्ध हो गई है, उसमें ऐसी अच्छी अच्छी फसलें तैयार हो चुकी है, देश का किसान समृद्ध हुआ है, यानी पूरा देश समृद्ध हुआ है। कोई भी देश समृद्ध तभी होता है जब उसका किसान समृद्ध होता है, किसान के कारण खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, ये जो फसल है वह बेचते हैं, अनाज है या जो भी है, इनके कारण व्यापार, उद्योग, ये सब समृद्ध होते हैं, सब चलता है,
यदि फसल नहीं हुई, खेती नहीं होती, तो ये सब बंद हो जाता है, हमारा व्यापार, हमारे उद्योग। तो किसान समृद्ध होना चाहिए। यहाँ धरती माता समृद्ध हुई है, इसका मतलब यही है कि किसान समृद्ध हुआ है, इसके कारण पूरा देश समृद्ध हो चुका है, समृद्ध हो रहा है। तो ये नूतन मंगलमय ध्वनियों से उसका स्वागत करना है। कैसे करना है कि नूतन यानी नई नई मंगलमय ध्वनियों से। मंगलमय ध्वनि कब निकलती है? जब शुभ प्रसंग होता है, जैसे शरणाई वादन। तो ऐसी नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग का उद्यान करो। ये जग का उद्यान, उद्यान, उद्यान का अर्थ होता है बाग। बगीचा, उपवन, चमन। देखिए, बहुत सारे समानार्थी शब्द प्राप्त होते हैं हमें यहाँ। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे समानार्थी हमें मिलते हैं। तो ये जग रूपी उद्यान की बात हो रही है कि जग रूपी उद्यान, भारत जग रूपी उद्यान तो भारत है। दुनिया में जो बाग है, उपवन है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की जमीन है, अलग अलग प्रकार की जमीन, हर तरह की फसलें होती हैं, हर तरह के इंसान हैं, धर्मों की विविधता है, भाषा की विविधता है, अनाज, सब्जियां, फल, उसकी भी विविधता है। पूरी दुनिया की कई सारे फल यहाँ होते हैं, कई सारे फसलें होती हैं, कई सारे अनाज होते हैं। दुनिया के सभी धर्म भारत में हैं। दुनिया की कई सारी सबसे ज़्यादा भाषाएं ये भी यहाँ बोली जाती है। तो ऐसा जग उद्यान है, दुनिया का उद्यान है भारत, समृद्ध है, कुदरती संपदा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ हमारा देश। तो ऐसा जग उद्यान रूपी हमारा देश, उसका स्वागत करना है ये नई परिस्थिति का, कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित कर दो ये जग उद्यान को। उठो धरा के अमर सपूतों, तुम पुनः नया निर्माण करो। अब कवि जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, स्कूल के बारे में बता रहे हैं, हमारी पाठशाला जो है, जहां हम पढ़ते हैं, उसके बारे में कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सरस्वती देवी का ये पावन मंदिर है। विद्या की उपासना करनी है तो विद्या की देवी सरस्वती, उसका ये पवित्र मंदिर है, ये पवित्र स्थान है। कोई भी पाठशाला है, सरकारी है या प्राइवेट है, जो भी है, छोटी है या बड़ी है, लेकिन ये सरस्वती देवी का मंदिर माना जाता है। उसकी पवित्रता को हमें बनाए रखनी चाहिए। जैसे मंदिर में जाते हैं तो बाहर पहले जूते उतार कर जाते हैं, मंदिर के दरवाजे पर ही हम प्रणाम करके दाखिल होते हैं। तो उसकी पवित्रता की देखभाल करते हैं, बनाए रखते हैं, मर्यादा रखते हैं। वहाँ जाकर, मंदिर में जाकर हम मर्यादा में रहते, गालियाँ नहीं बोलते वहाँ, हमारा वर्तन है संयमित होता है, वहाँ अश्लील वर्ताव भी नहीं करते। तो ये सरस्वती देवी का पावन मंदिर है हमारी पाठशाला। कभी कहते हैं ये सरस्वती देवी का पावन मंदिर है, पावन यारे पवित्र मंदिर है, सरस्वती देवी का ये पवित्र मंदिर, ये शुभ संपत्ति तुम्हारी है। बच्चों को कह रहे, देश के नए सपूतों को कह रहे कि ये शुभ संपत्ति है तुम्हारी, क्योंकि ये संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे कई लोग समृद्ध होते हैं,
उनका विकास होता है, उनकी उन्नति होती है, इस सरस्वती देवी के पावन मंदिर से होती है। पढ़ लिख कर कोई बड़े उद्योगपति बनते हैं, कोई व्यापारी बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो सभी यहाँ से समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये शुभ संपत्ति है, ये संपत्ति है, शुभ संपत्ति है जो विरासत में हमें प्राप्त हुई है। तो ये हमारी विरासत है, हमारी संपत्ति है, उसकी देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये शुभ संपत्ति तुम्हारी है और तुम में से हर बालक इसका रक्षक है, इसका पुजारी है। हमें क्या करना है, हमारी पाठशाला का, पाठशाला की रक्षा करनी है। प्रत्येक बालक इसका रक्षक है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वह है तो आने वाली पीढ़ियां जो है वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकेगी, समृद्ध हो पाएगी, उनका विकास होगा। तो ये हमारी शुभ संपत्ति है और संपत्ति की रक्षा करना ये तो हम जानते हैं, हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारी संपत्ति के रक्षक। और दूसरी बात है कि इनमें से प्रत्येक बालक, तुम में से हर बालक इसका पुजारी है। प्रत्येक बालक इस शुभ संपत्ति सरस्वती देवी का, ये पावन मंदिर, उसका पुजारी है। क्योंकि पुजारी का कार्य तो क्या होता है, मंदिर में पूजा करने का। तो ये पुजारी शब्द जो है ये समझ लीजिए, पुजारी ये पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग होता है पुजारिन। ये शब्द बना है पूजा पर से, पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला ऐसे लिखा जाता है पूजा, लेकिन पुजारी ऐसे लिखा जाता है, देखिए पुजारिन ऐसे लिखा जाता है। ये वर्तनी देख लेनी चाहिए और यहाँ लिंग परिवर्तन भी देखिए कि पुजारी तो पुजारिन, ये लिंग परिवर्तन हो गया। तो पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला, उसके लिए एक शब्द हो गया पुजारी। तो यहाँ सरस्वती देवी का ये पवित्र मंदिर है, तो प्रत्येक बालक, उसमें पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र उस मंदिर का पुजारी है, क्योंकि वह उसे पवित्र मानता है, उसे प्रणाम करता है और उसकी पवित्रता बनी रहे ये भी देखता है। जैसे पुजारी देखता है अपने मंदिर की देखभाल करता है, उसकी स्वच्छता रखता है, तो वैसे हमें भी अपनी पाठशाला की स्वच्छता रखनी चाहिए, उसकी पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, ये देखभाल करनी चाहिए हमें। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उसके रक्षक हैं, उसके पुजारी हैं, और ये हमारी शुभ संपत्ति है। इनसे ही हम समृद्ध होते हैं, उनसे ही हम विकसित होते हैं, इनसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सरस्वती देवी का पावन मंदिर है और इस पे पढ़ने वाला प्रत्येक बालक इसका रक्षक है, इसका पुजारी है, और ये शुभ संपत्ति है हमारी। आगे कवि कहते हैं कि शत शत दीपक जला ज्ञान के, शत यानी सौ सौ, शत शत यानी सौ सौ दीपक जला ज्ञान के, ज्ञान रूपी दीपक को प्रगटाना, प्रकट करना। तो दीपक, ये दीपक शब्द देख लीजिए, हमेशा सभी जगह गलत लिखते हैं, दीपक ऐसे लिखा जाना चाहिए, उसका अर्थ होता है दीप। दिया, चिराग, ये सारे समानार्थी शब्द है। देखिए दिया है, चिराग है, ये समानार्थी। तो कितने दिए, शत शत दीपक जला ज्ञान के। तो ज्ञान रूपी दीपक, दीप उसे जलाना है, उसे प्रकट करना है, प्रज्वलित करना है, और उनसे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। एक दिया है, ज्ञान रूपी दिया हमारे पास एक ही है, तो उनकी मदद से भी हम शत शत ज्ञान के दिए प्रज्वलित कर सकते हैं।
ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक घर तक पहुंच सकता है। हमारे पास एक दिया होना चाहिए, प्रज्वलित दिया, उनसे ज्ञान का प्रकाश हम चारों ओर फैला सकते हैं। यानी हमारे देश, हमारा देश जो अनपढ़ों का या निरक्षरों का देश कहा जाता था, उसे ज्ञान के प्रकाश से भर देना है, अंधकार से बाहर निकालना है, अज्ञान रूपी अंधकार हमें मिटाना है। ये बच्चों के लिए कह रहे, ये सपूतों को कह रहे, नवयुवानों को कह रहे कवि के तुम शत शत दीपक जला ज्ञान के, ये नव युग का आह्वान करो। अब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलेगा पूरे देश में, हमारे देश में एक भी अनपढ़ या निरक्षर नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो विद्या ऐसा धन है जिसे चोर चोरी करके ले नहीं जा सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, कोई डाकू है डकैती करके ले नहीं जा सकता। ज्ञान तो ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। जैसे एक दीपक में से दूसरा दीपक जलाए तो ये हमारा दीपक है, उसका प्रकाश कम नहीं होता। अनेक दिए जलाए जा सकते हैं एक दिए से। तो वैसे ज्ञान भी ऐसा ही है, हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, हम साक्षर हैं, तो दूसरों को भी हम साक्षर बना सकते हैं, दूसरों को भी शिक्षित बना सकते हैं, इस प्रकार ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस प्रकार हमारा पूरा देश शिक्षित हो सकता है। और शिक्षित देश जो है वह विकसित भी होता है। आजकल हम देखते हैं जो शिक्षित देश है वह ज़्यादा विकसित हुए हैं, और जो जहाँ निरक्षरों की संख्या ज़्यादा है उसका विकास कम हुआ है, जैसे हमारा बिहार नाम का राज्य, तो वहाँ विकास कम हुआ है। इसका कारण है शिक्षा। केरल का विकास हुआ है, केरल के कई लोग आज विदेश में जाकर बसे हैं और वहाँ से समृद्धि प्राप्त करके अपने देश को भेजते हैं। कई लोग भी प्रदेश में बसे हैं, शिक्षित है, पूरे देश में फैले हुए हैं। आज केरलियन जो हैं पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो जो विकसित होना है तो पहले शिक्षित होना चाहिए। तो कवि आह्वान करते हैं हमारे देश के नवयुवानों को, सपूतों को, कि शत शत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का तुम आह्वान करो, नव युग को पुकारो, उनका आह्वान करो, उसे आमंत्रित करो, बुलाओ। तो इस प्रकार हमारा देश में नया युग आ जाएगा, हम 21वीं सदी में जा सकते हैं। विकसित होकर जाना है, 21वीं सदी ये विकास की सदी है। तो इस प्रकार कवि अंत में कहते कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, नया निर्माण तुम करो। चलिए, तो ये लेसन जो है उसमें मैंने कहा था इसे हम गा सकते हैं, मैंने राग बताया है, आप गा सकते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रात है नई बात है, नई प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में, युग युग के मुरझे सुमनों में, नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर से
सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो ये गा सकते हैं समूह में एक साथ मिलकर। यहाँ जब आप आएंगे क्लासरूम में, कक्षा में बैठेंगे, तब मिलकर गाएंगे, उसका मजा ही कुछ और होगा। देखते धीरे धीरे परिस्थिति सामान्य हो रही है। हम चाहते हैं कि जल्दी से आप सब यहाँ आ जाए, हमारे साथ यहाँ बैठे, हमारी नज़रों के सामने। चलिए तो इसका होमवर्क देखिए। तो सबसे पहले आपको फेयरबुक का वर्क करना है। फेयरबुक वर्क में क्या करना है ये मैं बता दूं कि आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रश्न दिए हैं, उसमें लिखा है कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आशय स्पष्ट कीजिए ऐसा प्रश्न है पहला आपके अभ्यास में। तो ये करना है सबसे पहले काम फेयरबुक में। ये एफ बी लिखता हूँ, इसका मतलब है फेयरबुक के लिए है, और अभ्यास से लेना है। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 ये अभ्यास, और प्रश्न जो है पहला है आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये काव्य पंक्तियाँ दी गई है, उसका आशय आपको स्पष्ट करना है। लेकिन ये लिखते समय एक बात याद रखनी है, ये बड़ा प्रश्न है, तो बड़ा प्रश्न लिखने से पहले कृति, कर्ता और साहित्य स्वरूप ये राइट हैंड पर पहले लिखना चाहिए, इसके बाद प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आपको तो फेयरबुक में ये करना है। लेसन नंबर 4, उठो धरा के अमर सपूतों, ये साहित्य स्वरूप और ये कवि, ये हेडिंग लाइन में लिख लेना, इसके बाद ये करना है। तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? देखिए दूसरा प्रश्न, और देखिए तीसरा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है और उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी, जैसे रेलवे है, बस अड्डा है, हवाई अड्डा है, पाठशालाएं हैं, अलग अलग कार्यालय हैं, रास्ते हैं, स्ट्रीट लाइट है, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति है, सिटी बस है। तो ये सारी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है, ये राष्ट्र की संपत्ति है और उस संपत्ति की हमें रक्षा करनी चाहिए। वैसे तो पूरा राष्ट्र हमारी संपत्ति है, पूरे राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ ये कहा गया है कि उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उनकी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें व्यवस्थित रख सकते हैं, यातायात के साधन हैं उनका सदुपयोग करते हैं, उनमें स्वच्छता बनाए रखें, और नदियां हैं, समुद्र है, उसे प्रदूषित नहीं होने देते, ये भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। खेती है, उद्योग है, उनको भी समृद्ध बनाना है। पानी है, स्वच्छ रखना है, हवा, उसका प्रदूषण नहीं करना है हवा में। तो ये सब सारी संपत्ति है, उसे साफ सुथरा रखना, सुंदर बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हम कर सकते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। आप देखिए स्वाध्याय में दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय में जो दिया गया है प्रश्न, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। उसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए, तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर भी आपको पहले फेयरबुक में करना है। इसके बाद देखिए तो ये इतना कार्य आपको करना है, स्वाध्याय में 4 प्रश्न और अभ्यास में 3 प्रश्न, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 हो गया। तो ये अभ्यास का हो गया। अब स्वाध्याय का देखिए, ये स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है और उसमें कुल 4 प्रश्न है। तो इतना कार्य आपको फेयरबुक में करना है। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है फेयरबुक में, ये भी बता दूं, सबसे पहले आपको ये काव्य का जो हेडिंग है ये लिखना है, इतना हेडिंग लाइन में लिखना है फेयरबुक में, इतना हो गया। कृति, कर्ता और साहित्य स्वरूप आ गया। इसके बाद इसके नीचे शब्दार्थ लिखने हैं, और इसके बाद ये काव्य लिखना है,
सुवाच्य और सुंदर अक्षर में ये पूरा काव्य जो है आपकी फेर बुक में लिखना है, और इसके बाद ये प्रश्नोत्तर करने हैं, इतने प्रश्न जो हैं ये करने हैं, तो इतना वर्क करना। सबसे पहले हेडिंग लाइन, इसके नीचे शब्दार, इसके बाद काव्य, काव्य के बाद अभ्यास के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न के बाद स्वाध्याय के प्रश्न, क्लियर। तो इतना कार्य आप फेर बुक में कर लेंगे तो ये हमारा लेसन यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और एक नए लेसन के साथ नई बात करेंगे। नमस्कार।